हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ एएलपी मेडिकल रेलवे का। मैंने भी पीजी स्टडी में वीडियो देखी थी मेडिकल से पहले, तो मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली थी। मैं भी बहुत नर्वस था कि पता नहीं कैसा मेडिकल होगा, क्या होगा, पर इतना कोई हार्ड नहीं है, आप नॉर्मल रहो, सब ठीक अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी मोटी बात है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमको भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो करने अच्छा रहेगा, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिल सकती है। तो आपको अगर कोई डाउट है तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचते हैं आपके तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मेरा पहले 21 जून को DMR ऑफिस मुंबई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसमें एक क्लर्क ने हमें सीरियल वाइज बिठाया, एक फॉर्म दिया और उस फॉर्म को बताया कैसे भरना है। उसमें नॉर्मल डिटेल थी, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका कैटेगरी। सेकेंड पेज पर उसमें था डिक्लेरेशन, इतना हार्ड कोई फॉर्म नहीं था, नॉर्मल फॉर्म था। डिक्लेरेशन में आपको जो आपने सेकंड सीक्यूटी दिया है उसका आपको एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम शिफ्ट याद रखनी है, उसकी जरूरत पड़ेगी डिक्लेरेशन में, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक टेस्ट हुआ, तो बायोमेट्रिक टेस्ट में आपका थंब ले जाता है और थंब लिया गया और आपको साइन करा गए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक टेस्ट में आपको तीन चार बार ट्राई करते हैं, वो तीन चार लेते हैं थंब टेस्ट, अगर नहीं होता है, अगर आपका नहीं पकड़ता है वो, तो वो छः सात बार कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत लगाने की बात नहीं है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए, वहाँ पे पैनल बने होते हैं तीन चार लोगों के, और पाँच छः पैनल थे वहाँ पर, तो जिस भी पैनल में आपका नाम आएगा वहाँ आप जाइए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जीरोक्स कॉपी तो आपको उन्हें देनी है और आपको ओरिजिनल कॉपी अपने साथ रखनी है, तो वो लोग चेक करते हैं जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो वो अपने हिसाब से उसे रिमार्क करके भेज देते हैं अपना ठीक है। और अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, जो भी है, मेरे पूरे थे तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। और हाँ, आपने अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो ध्यान से आप एफिडेविट जरूर बनवा लें उस डॉक्यूमेंट का, क्योंकि उसको मांगते हैं, ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर बनवाना। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद उन्होंने मेरे को मेडिकल स्लिप, हाँ फिर मेडिकल स्लिप दी गई, उसमें 24 रुपये लेते हैं और उसमें आपको मेडिकल स्लिप मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 21 तारीख के बाद 24 तारीख को मेरा मेडिकल होना था, क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे था, तो 24 तारीख को सुबह 9 बजे करीब मेरा मेडिकल स्टार्ट था। उसमें सबसे पहले खाली पेट बुलाया उन्होंने मुझे, उसमें आपको शुगर टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने मेरे को ग्लूकोज पिलाया। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर टेस्ट हुआ उसी रूम का, शुगर टेस्ट के बाद मेरा ECG हुआ, ECG के बाद उन्होंने मेरा हाइड्रोसिल और पाइल्स का टेस्ट हुआ, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक हुआ, और फिर मेरे को एक रूम में ले जाया गया जहाँ पर आई साइट चेक होनी थी, तो वहाँ पर मेरा कलर विज़न भी चेक हुआ और आपका बायोनोक्युलर पेरीमेट्री टेस्ट हुआ। तो फिर उस रूम में डार्क रूम में ले जाया जाता है आपको, वहाँ पर करीब करीब 20 फुट दूर एक चार्ट रखा जाता है, सी चार्ट, उसको पढ़ना है आपको, आराम से विजिबल है, जिसकी आई साइट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विजिबल रहता है वो, आप आराम से देख के पढ़ें, घबराए ना, घबराओ मत बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। उसे पढ़ने के बाद आपको फिर उन्होंने मेरे, हाँ फिर लाइट बंद कर दी और एक पतली सी लाइट जलाई, मतलब पैन जितनी लाइट, फिर उन्होंने उसका कलर पूछा, कलर पूछने के बाद वो दोबारा लाइट जलाई उन्होंने थोड़ी मोटी इस बार, फिर उसका कलर पूछा। अगर यहाँ तक आपका सही जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है बाई चांस कि कोई आप नहीं पढ़ पाए या कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको दूसरे दिन बुलाया जाएगा चश्मे के साथ, मतलब चश्मा अगर आप पहनते हैं जो भी है उसके साथ दूसरे दिन बुलाया जाएगा। तो पर आपको उसमें बीवर मेडिकल दे देंगे वो लोग, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसमें बीवर मेडिकल मिल जाएगा, लेकिन आपको बाहर नहीं निकालेंगे, सेकंड दिन दोबारा आपको बुलाते हैं। उसके बाद मेरा सब कुछ ठीक हुआ तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद एक टेस्ट और हुआ था, फंडस टेस्ट हुआ था मेरा। उसके बाद उसमें क्या था कि अगर 10-10 मिनट के गैप में वो आपकी आईज में ड्रॉप डालते हैं, तो वो मशीन से टेस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कभी भी सर्जरी कराई है आई की अपनी, तो वो उसमें बताती है कि सर्जरी हुई है कि नहीं हुई पहले,
तो अगर आपने सर्जरी करा रखी है और आप पकड़े गए इसमें, तो आप यहीं से ही बाहर हो जाओगे, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और तो यही है कि सर्जरी ना करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है, सर्जरी कराने के बाद मौका नहीं मिलेगा इसमें। फिर उसके बाद फ्लैट फुट का टेस्ट हुआ था, नॉकनी का टेस्ट हुआ। मेरे बैच में था एक लड़का जिसको फ्लैट फुट की वजह से निकाल दिया गया था, तो ये दोनों टेस्ट हुए। उसके बाद उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर क्या नाम है, हाइड्रोसिल में, हाँ हाइड्रोसिल में भी एक लड़का था, लेकिन उसको दूसरा चांस मिला था। आपको दोबारा बुला लिया जाएगा अगले दिन और दूसरा चांस दे देंगे। तो अगर आपका सब कुछ सही रहता, जैसे मेरा तो सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं भले ही थोड़ा सा मैं भी नर्वस था पहले कि पता नहीं कैसा होगा, पहली बार मेडिकल दे रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा आराम से हुआ। और एक ही दिन में मेरे ख्याल से करीब 2 बजे तक मैं फ्री हो गया था, 9 से 2 बजे तक मेरा पूरा हो गया था आराम से मेडिकल। कि कोई कोई बच्चा थोड़ी लेट तक भी रुका, 3-4 बजे बच्चों का, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो अगले दिन बुलाया, 3-3 दिन तक भी मेडिकल चले कुछ बच्चों को जिनको कोई दिक्कत आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। और तो यही है मेरा तो, कि आप अपना नर्वस ना हो, बढ़िया तरीके से मेडिकल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप फिट हैं तो इतना कोई हार्ड मेडिकल नहीं है कि आपको बिल्कुल, मतलब आर्मी जैसा मेडिकल नहीं है कि तो बहुत हार्ड है, सही है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल है, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।